हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग में, जिसमें हम गए थे खाटू श्याम दर्शन के लिए, जो कि हम बहुत सारे रीजंस की वजह से अब शेयर कर पा रहे हैं। जहाँ तक हम कैमरा ले जा सकते थे हमने रिकॉर्ड किया, और उसके बाद हम कैमरा बंद करके दर्शन करके आ गए। तो आप भी हमारे साथ हमारी खाटू श्याम यात्रा में शामिल हों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जय श्री श्याम। आज हम हैं श्री खाटू श्याम मंदिर धाम में, जो कि राजस्थान के सीकर में है। तो हमें बड़ा मन था यहाँ पे आने का, और श्याम बाबा ने इतनी जल्दी बुला लिया कि हमने एकदम से हमारा प्रोग्राम बना और हम पहुँच गए। और अभी हम पहुँच के थोड़ा सा रेस्ट ले रहे हैं। अभी हम रूम में हमने चेक इन किया है, और फिर हम फ्रेश होके नहा धो के जाएंगे श्याम बाबा के दर्शन करने, और फिर आपको बताते हैं कि कैसा रहा। अभी हम पहुंचने वाले हैं अपने रूम में, फिर हम थोड़ी देर आराम करेंगे, फिर जाएंगे श्री श्याम के दर्शन करने। बोलो बोलो जय श्याम बाबा की। Which one is our room? What's the room number? क्या रूम नंबर है हमारा? वाह, ये है हमारा फर्स्ट रूम, और ये साथ में है हमारा सेकंड रूम, जो कि बहुत ही स्पेशियस है, बहुत ही क्लीन है, बहुत ही अच्छा है, मतलब बहुत ही अच्छा मिल गया हमें एकदम से। हमारा रूम है, हमारे रूम की जो बालकनी है, यहाँ से हमारा मंदिर श्याम बाबा का दिख रहा है, जहाँ की हमें शाम को भी जाना है दर्शन के लिए, जिसके लिए हम आए हैं, जिनके दर्शन करने, जिनका माथा टेकने, तो वहाँ हम जाने वाले हैं अभी शाम को। ये देखिए हमारी बालकनी से मंदिर दिख रहा है, तो बड़ा ही अच्छा हो गया कि हमें इतना पास में रूम मिल गया, तो हम बहुत अच्छे से दर्शन करने चले जाएंगे पैदल पैदल ही। ये देखिए ये यहाँ से धीरे धीरे ये रास्ता जा रहा है, जो कि आगे से घूम के जाएगा और हम पहुँच जाएंगे इधर मंदिर में। तो शाम को लेके चलते हैं आपको अपने रास्ते से श्याम बाबा के मंदिर दिखाने। अभी हम तो सुबह से ट्रैवल करके थोड़ा थक गए हैं, लेकिन ये बच्चे जो हैं इनकी मस्ती ऐसे ही चल रही है। ये बच्चे वही है ना, रिफ्रेश ही रहते हैं, उनको मज़े ही आते रहते हैं, कुछ किया भी नहीं है, लेकिन हम थक गए हैं, तो भी हम थोड़ा सा रिफ्रेश करेंगे खुद को, फ्रेश हो जाएंगे, फिर हम जाएंगे दर्शन के लिए। अभी हम जा रहे हैं, खाटू श्याम जी का भंडारा है यहाँ पे नीचे, जो चलता रहता है लंच डिनर ब्रेकफास्ट सब में, तो हम अभी उसमें खाना खाने जाते हैं, देखते हैं माँ का प्रसाद में हमें क्या क्या मिलता है। तो अभी हम खाटू श्याम जी का भंडारे में लंच करने जा रहे हैं। चलो चलो बच्चों, आ जाओ आ जाओ।
क्योंकि मेरे घुटने चलो ना घुटने में दर्द है। चल जल्दी फटाफट निकलो। जा रही हूँ श्री श्याम दर्शन के लिए और बच्चे अभी होटल में ही रहेंगे क्योंकि हम देख के आएंगे कि कितनी भीड़ है। अभी बाहर गर्मी भी है और अभी बजा है 4:30, तो हम पहले दर्शन करके आते हैं बड़े। बच्चे तब तक होटल में ही रुकेंगे और शाम को अगर भीड़ कम होगी और मौसम ठंडा हो जाएगा तो बच्चे जाएंगे, तो अभी मैं जाकर दर्शन करके आती हूँ। ये अभी मैं जा रही हूँ पैदल पैदल के रास्ते श्री श्याम मंदिर। तो ये है पैदल पैदल का रास्ता हमारे होटल रूम से। पीछे से श्याम मंदिर, अभी हम जाएंगे फ्रंट साइड मेन गेट की तरफ। ले लो जो भी अच्छा, पेड़ा ले लो। पेड़ा देना भैया आधा किलो, एक किलो करा लो। हमारी प्रसाद की शॉप जहाँ से हम प्रसाद ले रहे हैं, जहाँ पे एकदम फ्रेश पेड़े हैं। और ये है क्यूट सी झंडियाँ जो भी हम जाते में लेंगे। Thank you.
जा रहे हैं अपने रूम में, पहुंचेंगे और वहाँ पे आराम से बैठेंगे क्योंकि गर्मी भी बहुत है, पर हमें दर्शन अच्छे से हो गए तो ये तसल्ली है। ये अच्छा लगा कि हमें अच्छे दर्शन हो गए, तब उतनी भीड़ भी नहीं थी, ठीक था, थोड़ी भीड़ थी पर ठीक था। हमारा जहाँ हम रुके हैं, एक्चुअली पहले हमने होटल किया था लेकिन होटल के पास में पार्किंग नहीं थी, हम पहुँच ही नहीं पा रहे थे, इतना ट्रैफिक था। फिर हमने वो कैंसिल किया और हमने बाय चांस यहाँ पे पूछा, ये धर्मशाला कम होटल है तो यहाँ पे हमें बहुत अच्छा रूम रेडीली मिल गया और हमने उसको फटाफट से ओके कर दिया। और रूम तो मैंने आपको दिखाया है कितना अच्छा है और बहुत पास भी है मंदिर के। ये है डिटेल, नाम और एड्रेस, फ़ोन नंबर भी है। बहुत ही सुंदर है। हम जाएंगे स्टेयर से, हम लिफ्ट से नहीं जाएंगे। जय श्री श्याम बाबा की। करने नीचे वही प्रसाद, श्याम बाबा का भंडारे का प्रसाद खाने, तो डिनर करके आते हैं नीचे से। चलो चले। कूपन, ये जो कूपन की इसमें हमें रसोई में कूपन लेना है जिसमें कि बहुत अच्छी थाली है एकदम सात्विक खाने की, तो हम वो लेके आते हैं। ये यहाँ पे सेल्फ सर्विस है, ये क्या भैया चावल रखना, इसमें चावल रखना। ठीक है चूरमा प्रसाद।
सारी थाली जिसमें अभी हमने राइस नहीं लिए हैं, पर उसमें राइस भी है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो गई है और हम नहा धो के फ्रेश हो गए हैं और अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने वहीं मैया यशोदा की रसोई में। तो वहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद हम निकल जाएंगे। फिर से मैया यशोदा की रसोई में आ गए ब्रेकफास्ट करने। और इनके मतलब की लोग थाली में और क्या करा जाए थाली में। ये हमारा टेस्टी ब्रेकफास्ट, पराठे, कर्ड, अचार और फिर चाय भी मिलेगी ना इसके साथ। चाय नहीं मिलेगी। बहुत प्यार से खाना खिलाया है, बहुत टेस्टी खाना प्रसाद खिलाया है और हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। अगली बार भी हम यहीं आने वाले हैं। थैंक यू। तो हमारा ब्रेकफास्ट हो गया और हम जा रहे हैं। अब हम बस रेडी होके निकलेंगे क्योंकि हम बहुत लेट हो गए हैं ऑलरेडी। है यहाँ का सत्संग भवन, जहाँ पे जब भी कोई पूजा पाठ होता है तो गोपाल जी का सत्संग होता है। ये सुंदर से लड्डू गोपाल बैठे हैं यहाँ पर, बहुत ही सुंदर बनाए हुए हैं। भगवान तो सुंदर ही लगते हैं लेकिन ये इतने सुंदर बनाए हुए हैं कि ये बहुत ही अलग लग रहे हैं, बहुत प्यारे। चलो हमारी तैयारी हो गई जाने की और अभी हम चल रहे हैं। हेलो